नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि और आज मैं युवाओं से और कॉलेज स्टूडेंट से जिस जरूरी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ वो मुद्दा है डिप्रेशन। आप सब जानते हैं कि डिप्रेशन एक बहुत ही खतरनाक और मानसिक बीमारी है जो जाने अनजाने कई बार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है और हमें पता नहीं चल पाता, या हमारे आसपास के लोगों को भी वो बीमारी पकड़ लेती है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि डिप्रेशन कैसे आ जाता है, उसके लक्षण क्या क्या हैं और उसे दूर कैसे रहना। देखिए, इसको हैंडल करना बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसे टैकल नहीं कर सकते, हम इसे सुलझा नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या होता है कि यूथ में आजकल देखा जा रहा है कि ये समस्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे वजह क्या है कि वो फेलियर और सक्सेस को लेकर के इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, या उनके अपने के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है सक्सेस का कि वो जाने अनजाने डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स की उम्मीदें कई बार उनके साथ होती हैं और बच्चों को लगता है कि हम उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे हैं, और ये सोचते सोचते भी वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। इस उम्र में प्यार का हो जाना या दोस्ती का हो जाना एक बहुत आम बात है, और जब वो रिश्ता ठीक ढंग से आगे नहीं बढ़ पाता या उसमें समस्याएँ आती हैं तो भी बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। या फिर एक और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सोशल मीडिया का लगातार इस्तेमाल। लगातार बच्चे जो हैं वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे 2400 घंटे जैसे कि उसमें घुसे होते हैं, हर एक सेकंड पे वो अपडेट जानना चाहते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मानसिक अवसाद या डिप्रेशन को बढ़ावा देती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ज़िंदगी की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, और ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी है। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी की खूबसूरती के आगे हम हजारों समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर कीमत पे ज़िंदगी से प्यार होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या हैं और उसे हमें निकलना कैसे चाहिए। तो सामान्यतः जो डिप्रेशन का शिकार आदमी होता है कई बार पता नहीं चल पाता है, बहुत हंसता खेलता हुआ आदमी भी डिप्रेशन का शिकार होगा, क्योंकि अंदर की ये बीमारी है, अंदर से हमें खोखला करती है। कुछ एक लक्षण जो WHO ने भी बताए हैं उसमें ये है कि डिप्रेशन का शिकार आदमी जो होता है वह उदास रहने लगता है, और उसकी उदासी लंबे समय तक बनी रहती है। उदासी डिप्रेशन के शिकार आदमी की ज़िंदगी का एक स्थायी हिस्सा बन जाती है। उसे याद नहीं रहता है कि वो आखिरी बार खुश कब था। वह दोस्तों के बीच जाना बंद कर देता है, वह अकेला रहने लगता है, जीवन उसे बहुत बेकार लगता है। कई बार उसके मन में मरने के ख्यालात आते हैं, वो हंसना बंद कर देता है। डेली रूटीन के जो काम हैं वो भी उसे बोझिल लगते हैं। उसको अपने काम से रुचि अचानक से गायब होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ अनिद्रा का होना, देर रात तक नींद का न आना, या बेचैनी रहना, या घबराते रहना, ये सारी समस्याएं जो हैं, ये सारे लक्षण जो हैं, जब ज़्यादा मात्रा में होने लगे, कभी कभी नींद ना आए, कभी कभी गुस्सा आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन हर बात पर गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन हो जाए, तो समझना चाहिए कि चीज़ें हमारे साथ ठीक नहीं हो रही हैं और हमें अपनी मदद करनी है। और इस तरह के लक्षण हमारे आसपास के किसी और व्यक्ति में दिखाई दें तब हमें सोचना चाहिए कि उसको हमारी मदद और प्यार की ज़रूरत है। इसके अलावा डिप्रेशन के मरीज के साथ एक घटना ये घटती है कि अचानक से या तो उसका वज़न बढ़ने लगेगा या अचानक से वज़न कम होने लगेगा, या तो उसको बहुत भूख लगेगी या फिर भूख ही नहीं लगेगी। तो अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग तरह की घटनाएँ इस केस में हो सकती हैं। व्यक्ति लगातार सोचता रहता है ना, और नॉर्मल रूटीन के जो काम हैं जैसे बिस्तर से उठना, ब्रश करना, नहाना, ये सब भी उसको बोझिल लगने लगता है। अचानक से उसको हर तरह के काम से एक अरुचि या इंटरेस्ट का ख़त्म हो जाना उसके स्वभाव का हिस्सा हो जाता है। तब हमें समझना चाहिए कि चीज़ें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हैं, और हमें अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से देखना चाहिए कई बार कि क्या उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और डिप्रेशन एक स्वीट पॉइजन की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। कई बार ये थोड़े समय के लिए भी हो जाता है ना, और आजकल लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से सारी गतिविधियाँ ठप हैं, आदमी कमरे में बंद है ना, तो बहुत बार जॉब चली गई हैं या फ्यूचर को लेकर लोग बहुत परेशान हैं, तो ये
कॉमनली हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है, लेकिन इसे पार पाना है। इंसान की ताकत ही है कि उसे हर परिस्थितियों में उसे बाहर निकालती है, और इंसान का स्वभाव भी ये है कि वह दूसरों की हर परिस्थिति में मदद करे। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी और हम अपनी इस मामले में कैसे मदद कर सकें। तो डिप्रेशन से निकलने के रास्ते भी बहुत आसान है। अगर लगता है कि चीज़ें आपके साथ गड़बड़ हो रही हैं, तो कुछ एक चीज़ें हैं जिसको अपना करके हम बहुत आसानी से इसे बाहर आ सकते हैं। उनमें यह है कि प्रतिदिन हम अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करें, वॉक को शामिल करें। देखिए क्या है कि जब हमारा शरीर थकेगा, शाम को हम इवनिंग वॉक पे 1.5 घंटे के लिए चले जाएं या रस्सी कूद लें या कुछ कर लें, जब हमारा बॉडी थकेगा 1.5 घंटे, तो जाहिर सी बात है हमें नींद सही आएगी, और 8 घंटे की कंप्लीट नींद जब हमें आएगी तो वो डिप्रेशन से निकलने में बहुत मदद करती है। योगा करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें समय समय पे। इसके साथ साथ क्या है कि लोगों से बातचीत करें, संवाद करें, ग्रुप में रहें, दोस्तों से बात करें, फ़ोन पे बात करें, है ना। अकेलापन ना आने दें अपने पास, छोड़े नहीं खुद को। आज के समय में यूथ क्या है कि वो अपने बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता है। उसको लगता है कि मैं ये प्रॉब्लम शेयर करूंगा या करूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो जजमेंटल हो जाता है और लोग भी जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी से कीमती ये सवाल कहीं नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे जब तुम ही नहीं रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ गायब हो रही हैं और तुम ये सोच के बैठे हुए हो कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो शेयर करें अपनी बात, अपने इमोशंस को कोई ऐसी जगह दोस्तों के साथ बांटें, शेयर करें, उनको बताएं। इसके साथ साथ अपनी रुचि के जो कि एक विशलिस्ट आप बना सकते हैं, जिसमें आपको गाना गाना पसंद हो, डांस करना पसंद हो, कुकिंग करना पसंद हो, पेंटिंग, राइटिंग, जो कुछ भी पसंद हो उसमें आप फोकस करें, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। यानी कि पॉजिटिवली आपको जो जो काम पसंद हैं उस तरह के काम में अपनी दिलचस्पी जो है वो आप लगाएं, उस पर फोकस करें। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज की रोशनी में टहलना भी डिप्रेशन से निकलने में हमारी मदद कर सकता है। तो कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है। और लगता है कि चीज़ें इसके बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं तो आप डॉक्टर से मिलें, उनके पास जाएं, उनको अपनी समस्या बताएं, और बहुत जल्द आप इससे बाहर आ सकते हैं, आप इससे ठीक हो सकते हैं। एक बात और मैं यूथ से कहूँगा कि आप सपने देखते हैं, करियर बनाते हैं, क्यों? खुश रहने के लिए ना। तो क्या है, करियर बनाना या सपने देखना एक मीडियम है जो आपको खुशी देगा। आप ये सोचते हैं कि मुझे ये नौकरी मिल जाएगी सब अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाएंगे, तो वो नौकरी क्या है, वो मीडियम है आपकी खुशी का, वो पूरी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं उस नौकरी के लिए, उस करियर के लिए अभी ही अपना सारा चैन सुकून और सारी खुशी खोए हुए बैठे हैं, तो फिर किस बात का। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा होश और जीवन के प्रति सब कुछ स्वीकार कर लेने का एक भाव कि जब जो होना होगा होगा, हमें अपना काम करते रहना है, इस तरह का जो पॉजिटिव बिहेवियर है आपका, वो आपको बहुत मदद करेगा इन सब चीज़ों से। और न सिर्फ आपकी मदद करेगा, आप दूसरों के भी मदद बन पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और यूथ, मैं आप सबको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं। इसीलिए अपने रुचि के काम में आप दिलचस्पी लगाइए, उसी फील्ड में आप अपना करियर ढूंढिए, काम वो कीजिए जिसे करते हुए आपको लगे कि आप ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं, न कि ज़बरदस्ती आप किसी काम को करने में लग जाइए। और यकीन मानिए कि ज़िंदगी की खूबसूरती से ज़्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता है हमारे लिए, क्योंकि ये अनमोल है। और अंत में एक बात और कह दूं कि ज़िंदगी की कोई भी समस्या या ज़िंदगी का कोई भी प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जो हमसे हमारी मुस्कुराहट छीन ले, जो हमसे हमारे जीने का अंदाज छीन ले, जो हमसे हमारी खुशियाँ छीन ले, जो अपनों से हमें अलग कर दे और हम अपनों से अलग हो जाएं। इसलिए डिप्रेशन नामक इस खतरनाक बीमारी को अपनी पॉजिटिव इंस्टिंक्ट और पॉजिटिविटी के साथ, इसको टाटा बाय बाय कहिए, और दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी भरिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और एक नए बहुत ज़रूरी और शानदार विषय के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।